राजस्थान में कांग्रेस और मणिपुर में बीजेपी की राज्य सरकारों पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है। एक तरफ मणिपुर में विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली एन बीरेन सिंह की सरकार बच गई, तो दूसरी ओर राजस्थान में सचिन पायलट की कांग्रेस में घर वापसी से सरकार गिरने की आशंका खत्म हो गई। मणिपुर विधानसभा में लंबी बहस के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया और बीजेपी की सरकार ने 28-16 के अंतर से विश्वास मत हासिल कर लिया। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी किया था, लेकिन 8 विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 24 विधायक हैं। 3 विधायकों के इस्तीफे और दल बदल कानून के तहत 4 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद अब सदन में सदस्यों की संख्या 53 है। विश्वास मत के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा जब 6 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले विधायकों का अगला रुख क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इससे पहले 17 जून को मणिपुर में बीजेपी सरकार को समय झटका लगा था जब पार्टी के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके तुरंत बाद एनपीपी कोटे से उप मुख्यमंत्री वाई जयकुमार सिंह समेत 4 मंत्रियों और तृणमूल कांग्रेस के 1 और 1 निर्दलीय विधायक ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। उधर कांग्रेस ने इन 9 विधायकों को अपने पक्ष में ले लिया और सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट नाम से एक गठबंधन बना लिया था। हालांकि इसके बाद बीजेपी नेता और असम सरकार में मंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने सभी बागी विधायकों को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करवाई, जिसके बाद बागी विधायकों ने बीजेपी सरकार को फिर समर्थन दे दिया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस की सरकार से संकट टल गया। सोमवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट वापस नरम पड़ गए हैं। कांग्रेस ने पायलट को आश्वासन दिया है कि उनकी सारी शिकायतों पर गौर किया जाएगा। पायलट की शिकायतें सुनने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में प्रियंका गांधी वाड्रा, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल को रखा गया है। इधर देर रात कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ट्वीट कर कांग्रेस आलाकमान का शुक्रिया अदा भी किया है। सचिन पायलट ने ट्वीट किया, मैं श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने हमारी शिकायतों पर ध्यान दिया। मैं अपने विश्वास को लेकर दृढ़ हूं। मैं एक बेहतर भारत के लिए काम करता रहूंगा ताकि राजस्थान के लोगों से किए गए वादों को पूरा किया जा सके और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। पिछले करीब 1 महीने से सचिन पायलट राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से नाराज चल रहे थे और इस बीच पार्टी के समझाने के बाद भी वो अपने 18 बागी विधायकों के साथ पार्टी की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस आलाकमान ने कई मौके दिए, लेकिन सचिन पायलट नहीं माने तो पार्टी ने उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।